क्लास याद है, फर्स्ट क्लास में किया था। सो आई अपलोडेड दिस वीडियो ऑन फेसबुक एज वेल। अगर आपने नहीं देखी हो तो शायद नोटिफिकेशन, अगर फेसबुक पे देख लेना, मैंने फर्स्ट क्लास की वीडियो डाल दी है, ठीक है, वहाँ आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज अदर क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस। कल हमने, उस दिन हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जनरल बोरिंग्स को लेके, स्पेसिफिक बोरिंग्स को लेके, राइट। तो मैंने क्या कहा था, जो जनरल बोरिंग्स हैं और स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं, तो जनरल बोरिंग्स में हमने क्या किया था, यस, हमने देखा था कि हमारा कितना एक्सपेंडिचर जनरल बोरिंग से फाइनेंस है और कितना एक्सपेंडिचर मेरा स्पेसिफिक बोरिंग से फाइनेंस है। जो स्पेसिफिक बोरिंग से फाइनेंस है उसको तो डायरेक्टली ले लिया था मैंने, और जनरल बोरिंग को क्या किया था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस द एक्सपेंडिचर फाइनेंस बाय स्पेसिफिक लोन, हमने फिर एक्सपेंडिचर फाइनेंस बाय जनरल बोरिंग निकाला था, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, एक कैपिटलाइजेशन रेट निकाला था, उसको कैपिटलाइजेशन रेट बोल लो या एवरेज रेट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ऑफ जनरल बोरिंग्स। कैसे किया था, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट, तो यहां पे एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन लिया था हमने, ठीक है। एक क्वेश्चन किया था 14 लाख जिसमें डेनोमिनेटर था, क्वेश्चन नंबर, सो ये थी आपकी ये वाला। तो इसमें बताया गया था कि साल भर में ना, साल भर में 14 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थे, 14 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थे। तो आपने क्या किया था, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट निकाली, डिवाइड बाय 14 लाख किया, एक एवरेज रेट निकाल दिया, उसको एवरेज रेट बोल लो या कैपिटलाइजेशन रेट बोल लो, कुछ भी बोल लो, डजंट मैटर। फिर हम आगे चले, इसका रेट, इसका आंसर मान लो आया था 12% अप्रॉक्सीमेटली, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि ये 11 और 13 है, तो अप्रॉक्सीमेटली एक्जैक्टली सेम नहीं आएगा, क्योंकि वेटेड एवरेज है, थोड़ा सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज क्यों, क्योंकि ये 5 लाख और 9 लाख है, ठीक है, ये वेटेड एवरेज है। तो ये आया था आपको 12% अप्रॉक्सीमेटली मैं मान रहा हूँ। तो इसको हमने क्या किया था, एक्सपेंडिचर फाइनेंस बाय जनरल बोरिंग्स निकाला था, एक्सपेंडिचर फाइनेंस इन जनरल बोरिंग्स निकाल के इनटू दिस कैपिटलाइजेशन रेट लगा के हमने इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लिया था। स्पेसिफिक बोरिंग्स का तो वेरी सिंपल है, स्पेसिफिक बोरिंग्स का 1 लाख रुपये स्पेसिफिक बोरिंग्स थी इस वाले केस में मेरी, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 10,000 रुपये मेरा स्पेसिफिक बोरिंग्स का इंटरेस्ट आ गया था, दोनों को ऐड किया और हमने कैपिटलाइज कर दिया था, राइट। आज थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं, अपने नोट्स में ना मैंने एक पेज खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 2 खाली छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, इसमें मैं लोन की डिटेल्स डाल रहा हूं, टेन परसेंट डिबेंचर्स फॉर जनरल पर्पज ₹10 लाख ऑन 1/4/2018, 12% बैंक लोन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1/10/18, 11% बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 11% है यहां पे, ये एंड 15% हाँ जी, ठीक है,
एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अक्टूबर 2018 को फिर खर्चा हुआ 3 लाख का। यस, अब इसके बाद आपको इसमें जो डिटेल्स, ये डिटेल्स गिवन है, लोन की डिटेल्स आपको गिवन है, उसमें इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट गिवन है, इंटरेस्ट निकाल लोगे आप लोग, स्पेसिफिक लोन्स, और आपको जनरल लोन भी पता है, ये जनरल है, स्पेसिफिक, जनरल बोरिंग्स, जनरल बोरिंग्स, राइट, सब कुछ पता है आपको, एक्सपेंडिचर भी पता है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें एक बार हम, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग निकाल सकते हो क्या? एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? जितने मंथ के लिए एक्सपेंडिचर हुआ, तो मैं कैसे करूं? अगर अप्रैल का है तो अप्रैल का 1 लाख है इंटू 12 बाय 12, और ये सारे अज्यूम कर रहा हूं कि डे वन को हुआ है ऑफ द मंथ। अगर अप्रैल लिखा हुआ है इसका मतलब अप्रैल के फर्स्ट डे को हुआ है। जून है अगर, तो जून का कितना है? 4 लाख रुपीज इंटू अप्रैल में 10 बाय 12। अक्टूबर का 3 लाख इंटू 6 बाय 12, एंड दिसंबर का 4 बाय 12। मुझे टोटलिंग करके बता दो जिसका मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ये तो 2 1/2 लाख, कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा 2 का 4, 40 लाख डिवाइड बाय 12 का भी। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? कर दूँ इसे ऊपर कर देता हूँ। एंड नाउ दिस इज द आंसर, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, दिस इज द स्टेप वन। थ्री लाख ठीक है, एंड दिसंबर का ला वन लाख सिक्सटी थम 1 लाख 60 आता आएगा ना कुछ, 16 लाख नहीं, 1,66,667। ठीक है, ये आपका आ गया एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। टोटल बताओगे? सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड एग्जैक्टली। चलो बढ़िया आ गया, 750 आ गया। अब इसमें हमें सेकंड क्या चीज़ चेक करनी है कि कितना पोर्शन हमारा स्पेसिफिक से फाइनेंस्ड है, कितना पोर्शन मेरा
जनरल से फाइनेंस्ड है, तो देखो जो स्पेसिफिक से फाइनेंस्ड है, ये देखो ये भाई 5 लाख रुपए आ रहा है यहाँ पे, ये स्पेसिफिक लोन है, तो दिस मीन्स दिस मच पोर्शन इज फाइनेंस्ड बाय स्पेसिफिक। अब इसमें ना एक चीज नोटिस करने वाली है, डेट ठीक है, अभी फिर आई भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। अभी एक काम करते हैं हम ना, कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेते हैं, जनरल बोरिंग्स के कैपिटलाइजेशन रेट होता है स्टेप टू, मुझे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट या फिर जनरल बोरिंग रेट। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट कॉस्ट निकालो जनरल जनरल लोन्स की। तो 3 जनरल लोन है मेरे पास, एक 12% डिबेंचर्स है, 11% बैंक ओवरड्राफ्ट है, 15% बैंक लोन है। तीनों की मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी है, डेट का ध्यान रखना ये 12 महीनों पे लगेगा। इसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी वो आएगी 1 लाख रुपये, इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी 33,000 16,500, और इसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, अच्छा इस पर डेट नहीं लिखी हुई फोर्थ वाले पे, तो मैं डेट लिख देता हूँ ऑन 1/12/18। तो इसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी वो आएगी 4,15,000, 60,000, 60,000 डिवाइड बाई 3, 20,000 के आसपास आएगी, चेक कर लेना एक बार थर्ड वाले की। तो आपको अच्छे से वर्किंग नोट बना करना है नीचे, मैंने ऊपर ऐसे कर दिए डायरेक्ट कैलकुलेशंस। हाँ जी कितनी आई है, 1,16,500 और 2,20,000, 1,36,500, 1,36,500। मुझे बताना एवरेज, एवरेज बोरोड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे? एवरेज बोरोड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे? देखो हमने क्या किया, हमने टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल दी जनरल बोरिंग्स के ऊपर, कितनी आई थी 136,500, सबकी यही आ रही है। हमें निकालना है एवरेज अमाउंट, पिछला जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें प्रॉब्लम की, उसमें अच्छी बात क्या थी कि हमें दोनों लोन दिए हुए, दोनों साल के स्टार्टिंग में लिए हुए थे, तो हमने मान लिया था 14 लाख का साल भर में लोन है, बट यहाँ पे लोन साल के बीच बीच में लिए हुए हैं। सो हम क्या करेंगे, जो ये लोन है ना आपके 10%, तो एक कैसे करना है, अगेन प्रोसेस वही सेम रहेगा, इसको मैं वन नोट इसमें कर रहा हूँ। तो एक लोन है मेरा 10% डिबेंचर्स का, जो 10% डिबेंचर्स वाला है वो किस डेट को लिया गया है, फर्स्ट अप्रैल। तो एवरेज बोराइंग कितनी है मेरी, कितने का लोन है, 10 लाख का लोन है, 10 लाख इंटू 12/12 ठीक है। सेकेंड लोन मेरा है 11% बैंक ओवरड्राफ्ट, 3 लाख रुपीज का 11% बैंक ओवरड्राफ्ट, डेट है 1/10। किसका क्या हुआ, टोटलिंग सही है कुछ? याद रखना मैं यहां पे सिर्फ स्पेसिफिक जनरल बोरिंग्स ले रहा हूं, स्पेसिफिक नहीं ले रहा मैं, क्योंकि मेरे को कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है ठीक है। 15% बैंक लोन है 4 लाख रुपए का, डेट कौन सी है, 1/12/18 हाँ जी, ये आ गया 4/12 3/4 67। तो इसकी टोटल कर दूं 10 लाख, साढ़े इसका मतलब 11.5 लाख एंड 166, 13 लाख, 13 लाख 16,667, दिस इज माय एवरेज बोरोड अमाउंट। यहां तक क्लियर है इस स्टेप तक?
अब मेरे पास एवरेज बोरोड अमाउंट पता है, मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट पता है, तो सिंपल मैं कैपिटलाइजेशन रेट निकाल सकता हूँ। एनी कंफ्यूजन या यू कैन टेल मी ऊपर कितना आया था? 6,136,500। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है। टेन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट। ठीक है, अब ये जो आंसर देखना, ज्यादातर 10 के क्लोज आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो 10 लाख, मतलब 13 लाख में से 10 लाख रुपए तो मेरे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन से आ रहे हैं, तो इसलिए जो आंसर है वो 10% के क्लोज आ रहा है। उर्वशी, हाँ जी, क्या बोला मैंने, समझ में आया? आंसर 10 के क्लोज क्यों आ रहा है? क्योंकि 13 लाख में से 10 लाख रुपए तो सिर्फ 10% डिबेंचर्स के हैं, इस वाले 10% के, तो आंसर इट्स वेरी मच क्लोज टू 10% ओनली। ठीक है, तो मेरा एक कैपिटलाइजेशन रेट आ गया 10.36%। अब इससे इस क्या करूंगा इसका मैं? अच्छा, आपके पास सी सिंगल साइड प्रिंटर साइज में भी कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पेज पे करना है, यू हैव दिस अ लॉट ऑफ स्पेस। मेरे पास सिंगल्स, मेरे पास एक ही पेज था तो मैं एक ही पे कर पाया। हाँ जी, ये हुआ कैपिटलाइजेशन रेट आ गया मेरे पास, मुझे एवरेज बोरिंग कॉस्ट पता है। अब मुझे निकालना है कि एवरेज बोरिंग कॉस्ट फाइनेंस थ्रू जनरल लोन। फाइनेंस टू जनरल बोराइंग्स टोटल कितनी थी? आंसर सेवन फिफ्टी में से 7,50,000। हाँ जी, अब मुझे एक चीज बताओ जो मुझे, मेरे को जाननी है आपसे बात, यहाँ पे मैं 5 लाख लूँ या 2.5 लाख लूँ? देखो, जो ये स्पेसिफिक लोन है, ये 5 लाख रुपए का लोन है, बट ये 5 लाख रुपए का लोन है, ध्यान से देखना इसकी डेट देखना, ये 1/10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं, अब मुझे बताओ मैं 5 लाख लूँ या 2.5 लाख लूँ, मतलब लोन कितने का है? 5 लाख रुपए का। अब मैं स्पेसिफिक बोराइंग्स 5 लाख लूँ या 2.5 लाख लूँ, क्योंकि 6 मंथ्स का लिया तो 6 मंथ्स बाद है ना, तो कितना लूँ, 5 लाख लूँ 2.5 लाख लूँ? अच्छा, क्यों 5 लाख क्यों लेंगे? ये देखो, या तो 5 लाख ले लो, ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं है 5 लाख में, लेकिन फिर जो 1/10 से पहले के एक्सपेंडिचर हुए हैं उनको तो जनरल रेट पे कैपिटलाइज करो। सेंस बनता ही नहीं बनता भाई? ठीक है, 5 लाख ले लो, मुझे दिक्कत नहीं है, बट जो फिर एक्सपेंस है, जो ये वाले एक्सपेंस जो अप्रैल में हुए हैं, जून में हुए हैं, और ये जून तक जो एक्सपेंडिचर हुए हैं, इनको तो मैं फिर उस पर करना चाहिए ना मुझे आइडियली। देखो, दो तरीके हैं, दोबारा बता रहा हूं भाई, अगर तुम सब कुछ एवरेज बेसिस पे कर रहे हो, एवरेज बोरिंग कॉस्ट, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो उसका भी एवरेज निकालो, माइनस करो, और फिर जनरल बोरिंग रेट लगा दो। और जब तुम हर चीज उसको बोल रहे हो कि 5 लाख ही लेना है उसको, तो 1/10 को लोन लिया हुआ है ना, 1/10 से जो पहले के खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, उसका मतलब वो तो जनरल बोरिंग से फाइनेंस हुए हैं, ठीक है, तो मुझे उस रेट पे जाना चाहिए उसको, राइट? तो व्हाट इज द बेटर अप्रोच अकॉर्डिंग टू यू? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? मैं दो चीजें बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ या तो सब कुछ एवरेज पे चल रहा है तो उसका भी एवरेज निकाल के, बेसिकली 6 मंथ्स का रेट ऑफ लोन निकालो 2.5 लाख रुपए, इसमें से 2.5 लाख माइनस करो 7.5 लाख में से, 7.5 लाख माइनस 2.5 लाख, तो इसमें आ जाएगा एवरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंस थ्रू जनरल बोराइंग्स, ये 5 लाख आ गया, 5 लाख आ गया ना, तो 5 लाख पे 10.36% लगा दो, इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी मेरी, ठीक है, ये बेटर है ना, क्योंकि सब कुछ जब एवरेज पे चल रहा है उसको भी एवरेज पे लेके जाओ। हाँ, उसमें कॉम्प्लीट, उसमें पता है एक प्रॉब्लम और तुम्हें दिखाता हूँ मैं, चलो तुमने एक प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बता दी, एक प्रॉब्लम और क्या है कि आइडियली तो फिर क्या होना चाहिए, जो तुम सब कुछ ही अच्छे से चल रहे हो, जो ये अप्रैल का एक्सपेंडिचर है, ये तो 10% डिबेंचर से फाइनेंस हुआ होगा, ये थोड़ी ना इस 11% बैंक ओडी से फाइनेंस हो गया होगा, यस और नो?
या फिर ये जून का जो खर्चा है ये भी तो 10% डिबेंचर से फाइनेंस हुआ होगा, तो फिर हर एक लोन के अगेंस्ट में मुझे एक एक्सपेंडिचर ट्रेस करना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, तो बेटर अप्रोच कि तुम एवरेज लेके चल रहे हो, तो एवरेज स्पेसिफिक बोरिंग्स निकालो एंड उसमें से इसको माइनस करो एंड तुम्हारा लोन फाइनेंस थ्रू जनरल बोरिंग्स आ जाएगा। तो 5 लाख रुपए आ गया, ये है लोन फाइनेंस थ्रू जनरल बोरिंग्स। इसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल दो, कितनी आएगी, 5 लाख × 10.36%। फिफ्टी वन लैख फिफ्टी 51,800। तभी बोलो कैसी होगा, ले ले यार, तू सिटीजन का है ये, बहुत तभी बोल रहा था मैं तुम्हें स्टार्टिंग पे, यहाँ पे क्लास में बोला है ना मैंने तुम्हें, कैसी हो के बारे में नहीं बोला, बोला है ना। हाँ तो फिर ले लो यार, मैं बहुत झेल चुका हूँ, आई नो, मतलब मेरे साथ हो चुका है एक बार, पर्सनल एक्सपीरियंस बड़ा गंदा रहा था, सो दैट्स वाई, शुक्र है बीकॉम में रहा था सिर्फ, सीए में वो प्रॉब्लम नहीं आई। अकाउंट्स का पेपर था, फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, कैलकुलेटर खराब, और बीकॉम में शुक्र होता है कि थ्योरी पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सीए में तो मिलेंगे भी नहीं, बहुत कम मिलेंगे, तो वहां पे मिल गए थे। तो 5 लाख का 12% 60,000, 60,000 का 30,000 रुपये आपके ये हो गए। नहीं उसमें होता है, अटकता है कई बार। इट्स ओके यार, लेट्स लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाँ हाँ जी, हो ये समझ में आया क्या किया पूरे क्वेश्चन में? ठीक है, अब इससे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पे चलते हैं, ये एक लेवल था, अब इससे एक ऊपर लेवल ऊपर चलते हैं। क्या और बड़े स्लो तुम यार, इतना टाइम नोट करने में। नहीं बहुत होता है, बहुत होता है, आई लेट यू नो यार, अभी तुम थोड़ा पहले घूमाओ एक बार, फिर आई लेट यू नो एक बार, मुझे भी रखना है यार, तुम सारा टेंशन मुझे है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो चलो सब ओके 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 हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 5, रेनबो लिमिटेड बोरोड एन अमाउंट ऑफ INR 50 करोड़ ऑन 1/4/16 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट एट 11% पर एनम। अब देखना स्पेसिफिक लोन है 150 करोड़ रुपए का, 150 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है ऑन 1/4/16 को कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट के लिए। ठीक है, प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 ईयर्स, मतलब क्वालिफाइंग एसेट हो गया, इससे सब बहुत बड़ा सब टाइम है, 4 साल। तो सिंस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13% पर एनम। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? ये होता है पूरी फर्म के जितने भी फंड्स है ना, जितने भी फंड है कंपनी ने बोरो किए हुए हैं, उन सबकी कॉस्ट, एक वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आप इसको कॉस्ट में, इसमें आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, ये कॉस्टिंग में आपने पढ़ा हुआ है, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट, इसको केसी बोलते थे हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते थे। ठीक है, कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है, और जिसने नई कॉस्टिंग की कोचिंग ली, अभी कॉस्टिंग में पढ़ोगे आप, ये पूरा इसके ऊपर चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो द अकाउंटेंट ऑफ रेनबो लिमिटेड कैपिटलाइज INR 19.5 करोड़ फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग 31/3/17। इसने पता क्या किया, इसने पूरे फर्म की जो कॉस्ट है वो ले ली, एवरेज कॉस्ट ले ली, विच इज 13.13% पर एनम, 150 करोड़, 13% किया, 19.5 करोड़ आया, उसको कैपिटलाइज कर दिया। वो ये देखना भूल गया कि वो एएस, वो अकाउंटेंट था, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता तो क्या करता, सीए होता तो क्या करता, वो बोलता भैया ये स्पेसिफिक लोन है, स्पेसिफिक लोन की स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट आएगी, उसको कैपिटलाइज करो, स्पेसिफिक लोन है कितना, 150 करोड़ रुपए का।
150 करोड़ रुपए पे आप 11% के हिसाब से आप इस पे सॉल्व करो, 11% के हिसाब से। देखते आगे पढ़ते हैं, ड्यू टू सरप्लस फंड आउट ऑफ INR 150 करोड़ रुपीज, इनकम ऑफ INR 3.5 करोड़ वॉज अर्नड एंड क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हुआ, 150 करोड़ का लोन लिया, सारा का सारा लोन इस साल में हम यूज नहीं कर पाए, तो हमने कुछ पैसा बैंक में FD करवा दी। FD करवाने पे कुछ इंटरेस्ट आया, तो जैसे वो इंटरेस्ट आया अकाउंटेंट ने क्या किया, एंट्री किया हमारी इंटरेस्ट की, एंट्री किया हमारी बैंक टू इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट इनकम टू P&L, ये एंट्री उसने मार दी चुपचाप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कमेंट ऑन द अबव ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटेंट विद रेफरेंस टू रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा आपके केस में, AS 16। तो इसका आंसर देख रहा हूं मैं एक बार, तो AS 16 बोरोइंग कॉस्ट स्टेट्स दैट टू द एक्सटेंट दैट फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट, द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ऑन दैट एसेट शुड बी डिटरमाइंड एज द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट बोरोइंग ड्यूरिंग द पीरियड लेस एनी इनकम ऑन द टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरोइंग्स। सिंपल सी भाषा में बोलूँ ना, इसने ये बोल रहा है कि जो भी आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग्स होती हैं उसकी कॉस्ट, उसमें हम एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं। जैसे अभी तक हमने जनरल में क्या किया था, एक एवरेज कॉस्ट ली थी, इसमें स्पेसिफिक बोरिंग में एक्चुअल कॉस्ट लो और उसको कैपिटलाइज कर दो। हाँ, अगर कोई टेम्पररी इन्वेस्टमेंट कर दिया जिससे कि आपको कोई इनकम आ रही है उसको माइनस कर दो। इन्होंने क्या किया, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना आया, 16.5 करोड़ रुपए, कैसे 11% ऑफ 150 करोड़, माइनस कर दिया इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक बोरिंग्स, 3.5 करोड़ रुपए की जो इनकम आई थी, तो 13 करोड़ रुपए इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये करना चाहिए था आइडियली, करा कुछ और, करा कैपिटलाइज कितना कर दिया उस बंदे ने, 19.5 करोड़ रुपीज, और 3.5 करोड़ को क्या ले गया वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि इस इनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। 16.5 करोड़ रुपए हैं कैपिटलाइज, माइनस 3.5 करोड़ रुपए जो उसको माइनस कर देंगे, और 13 करोड़ रुपए कैपिटलाइज होंगे, एंड दिस इज योर एक्चुअल इंटरेस्ट। थोड़ा सा ऊपर ज्ञान झाड़ना है आंसर स्टार्ट करने से पहले कि स्पेसिफिक बोरिंग्स है, मतलब एज इट इज, मैं इसको याद कर लो, सिंपल बोलो स्पेसिफिक बोरिंग्स केस में टोटल अमाउंट बोरोड शुड बी कैपिटलाइज्ड एट एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस एनी इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, एज सिंपल एज दैट, एंड हेंस द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड शैल बी एज फॉलोज। सिंपल एक कैलकुलेशन करके दिखा दो, ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, बस जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो सिर्फ ये वाली है, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट की बात कहीं पे नहीं आई थी, बाकी आपको पता था सारा, ठीक है, बाकी आपको पता था इस क्वेश्चन में जो भी बातें थी, ये कहीं पे नहीं आई थी बात, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो इस टेम्पररी इन्वेस्टमेंट वाली बात को। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं। हाँ जी, टेक लिमिटेड हैज बोरोड INR 30 लाख रुपीज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16-17। द बोरोइंग्स आर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ गिव लिमिटेड। अब वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है दूसरी कंपनी के, ठीक है, अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ टेक लिमिटेड। जैसे शेयर्स माइंड में आता है, लगता है क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, शेयर्स थोड़ा क्वालिफाइंग एसेट होते हैं। डज इट टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, नो इट डज नॉट टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, शेयर्स ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सिर्फ ये देख, हमें यहाँ पे स्कोप की बात नहीं, यहाँ पे देखना क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, ठीक है, अगर क्वालिफाइंग एसेट है और उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है तो कैपिटलाइज कर दो टिल द एसेट इज रेडी फॉर यूज। शेयर्स के थ्रू बोरो, शेयर्स के थ्रू डिबेंचर के थ्रू बोरो करते हैं, शेयर इशू करते हैं,
शेयर, हाँ शेयर इशू तो इसमें नहीं आता ऑब्वियस, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसके स्कोप के बाहर है, ठीक है, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है, बोरिंग कॉस्ट। तो बोल रहा है विच इज इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, तो ये बोल रहा है इसने गिव लिमिटेड अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया है, मतलब उसके शेयर्स खरीद लिए, और वो गिव लिमिटेड काम क्या कर रही है, वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रही है जिसकी कॉस्ट है 50 लाख रुपए। तो देखना इनडायरेक्टली क्या किया इसने, टेक कंपनी है उसने गिव के शेयर खरीद लिए, और गिव क्या करती है उस पैसों का, उसे एक प्रोजेक्ट लगा रही है, ये हुआ है सिचुएशन। अब पता है क्या होता है, कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं, हमें लगता है यार प्रोजेक्ट तो लग रहा है, प्रोजेक्ट तो क्वालिफाइंग एसेट है, क्या फर्क पड़ता है अगर टेक ने गिव के शेयर ले भी लिए तो। पता है हम अपना ना वो जिसको बोलते हैं ना इमोशनल माइंड लगाने लग जाते हैं ना कि लॉजिकल माइंड, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी आप लोगों को। बोल रहा है एज ऑन 31 मार्च 2017 सिंस द सेड प्रोजेक्ट वॉज नॉट कंप्लीट द डायरेक्टर्स ऑफ टेक लिमिटेड रिजोल्व टू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट अक्रूइंग ऑन बोरिंग अमाउंटिंग टू INR 4 लाख एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस और नो, गलत है, सही है, गलत है। आंसर पढ़े, AS 13 का भी रोल आएगा इसमें क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हुई है, AS 13 आ जाएगा बीच में। अब तो AS 13 बोलता है एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज कमीशन फीस ड्यूटीज। इन द प्रेजेंट केस टेक लिमिटेड हैज यूज्ड बोरोड फंड्स फॉर परचेजिंग शेयर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी गिव लिमिटेड INR 4 लाख इंटरेस्ट पेबल बाय टेक लिमिटेड टू SBI कैन नॉट बी कॉल्ड एज एक्विजिशन चार्जेस देयरफॉर कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोला क्या उस टाइम में जब कॉस्ट ऑफ जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्विजिशन चार्जेस एड करते हैं, तो बोले दिस इज नॉट एक्विजिशन चार्जेस जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। सेकेंड अब आता है 16 की बात आती है इसमें, तो बोलता है एज पर AS 16 बोरिंग कॉस्ट अ क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, इज एन एसेट दैट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। इंटेंडेड यूज और सेल वर्ड याद रखना, सिंस शेयर्स आर रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज एट द टाइम ऑफ सेल इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ क्वालिफाइंग एसेट दैट कैन अनेबल अ कंपनी टू एड द बोरिंग कॉस्ट टू इन्वेस्टमेंट। अगर ये क्वालिफाइंग एसेट होती तो आप बोल सकते थे कि ऐड कर दो, बट अब नहीं बोल सकते। देयरफॉर डायरेक्टर्स ऑफ टेक लिमिटेड कैन नॉट कैपिटलाइज द बोरिंग कॉस्ट एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेदर इट हैज टू बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। सिंपल, AS 13 का भी रेफरेंस और AS 16 का भी रेफरेंस। ये क्वेश्चन स्टडी मैट में शायद ये वाला क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन ये वाला है, फोर्थ नहीं होगा ना, ये कुछ क्वेश्चन स्टडी मैट में नहीं है। हाँ जी चले और देखिए कुछ क्वेश्चन अच्छे अभी, ये तो वो भी आधे नंबर दे देगा आपको। बिल्कुल यार, ये मैंने आंसर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों लिखा है, नहीं नहीं पता थोड़ा है कहीं लिखा है 16 का क्वेश्चन है ये। 16 का लिखा है कहीं पे, नहीं लिखा ना, बोला गिव रेफरेंस टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें 13 का भी रेफरेंस क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, एंड इसमें 16 की बात भी हो रही है क्योंकि वो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने की बात भी कर रहा है, तो दोनों का रेफरेंस आएगा ये। इट ये मैंने दिया AS 16 के चैप्टर में हुआ हुआ है, क्यों, क्योंकि मैं AS 16 AS 13 की बात करवा रहा हूँ। अगर मैं AS 13 बाद में करवाता ना तो मैं उसको चैप्टर में देता है वाला क्वेश्चन। हाँ पीपीई में कई बार पीपीई में आपको रेफरेंस देना पड़ता है AS 16 का भी, इन्वेंट्री AS 2 का रेफरेंस देना पड़ता है और AS 16 का रेफरेंस आसा देना पड़ता है, क्योंकि वर्ड बार बार बता रहा हूँ मैं, हेल्ड फॉर यूज और हेल्ड फॉर सेल है, दोनों है। चले पता है उसे चलो आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, 7 से पहले ना हम एक बार 8th करते हैं एक बार हम। Yes, Growth Limited has undertaken a project for expansion of capacity as per the following details. तो plan इतना किया था, actual इतना किया, plan हमारे लिए irrelevant है, ठीक है, confuse करने के लिए दिया हुआ है, irrelevant है कितना plan कर रहे हो आप, ठीक है। तो actual is 4,795,000, December में कोई खर्चा नहीं हुआ हुआ, Jan में is 50,000, Feb में 2 lakh rupees and March में 12 lakh rupees का खर्चा हुआ हुआ है आपका, ठीक है, प्रोजेक्ट पे खर्चा हुआ हुआ है। द कंपनी पेज टू इट्स बैंक इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम विच इज डेबिटेड ऑन अ मंथली बेसिस, मतलब हर महीने पे इंटरेस्ट जाता है, तो एक महीने का
इंटरेस्ट कॉस्ट क्या हो गई 1.25% पर मंथ. कैसे निकाला? 15% डिवाइड बाय 12. इसके ऊपर लिखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्या है, क्वेश्चन सिंपल है बट कंफ्यूज बहुत हो गए आप लोग इसमें, क्योंकि जरा सा घुमा दिया उसने मंथली बोल दिया, वहीं पे सिट्टी बिट्टी घूम भाई, पता नहीं क्या पूछ लिया, नया क्वेश्चन आ गया. और कुछ मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में. चले, ड्यूरिंग द हाफ ईयर कंपनी हैड INR 20 लाख बैंक ओवरड्राफ्ट अप टू 31 दिसंबर. बोल रहे 20 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट था 31 दिसंबर को, सरप्लस कैश था जनवरी में, एंड अगेन ओवरड्राफ्ट ऑफ INR 14 लाख फ्रॉम 2016 एंड INR 30 लाख फ्रॉम 1/3/16. समझाते हैं क्या कर रहा है, क्या हुआ है, क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है. ये बोल रहा है दिसंबर में जो बैंक ओवरड्राफ्ट था कंपनी के पास वो कितना था, 20 लाख का. जनवरी में सरप्लस था. बोल रहा है कि फेब में, फेब में फिर 14 लाख का उसके पास ओवरड्राफ्ट था, और मार्च में 30 लाख का ओवरड्राफ्ट. अभी इसने इन्फॉर्मेशन क्यों दी हुई है, इसकी रिलेवेंस देखेंगे हम बाद में. अभी समझ लो कि इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है उसने, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ये है. द कंपनी हैड अ स्ट्राइक. अब यहाँ पे कान खड़े जाने चाहिए सब लोगों के, स्ट्राइक हुई है. अभी रुक जाओ. हाँ मतलब हाँ, कुछ ऐसा सस्पेंशन की बात कर रहा है ये, देखते हैं पढ़ते हैं. कंपनी हैड अ स्ट्राइक ड्यूरिंग दिसंबर एंड हैंस कुड नॉट कंटिन्यू द वर्क ड्यूरिंग द सेट पीरियड. ठीक है, तो इस सस्पेंशन के हिंट मिल रहे हैं आपको. हाउएवर, ये हाउएवर हाउएवर बट ये जो वर्ड होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं. However and but are negating the first statement in most of the circumstances. ठीक है, जो बच्चे कैट की कोचिंग लिए जिसने या लेने का सोच रहे हैं उनके लिए तो पता होगा उनको. But always negates the first statement. Let's say I'm say Rahul is a very good student, but word आते हैं मतलब कुछ गड़बड़ करने वाला हूँ मैं. ठीक है, तो however, but. However, the substantial administrative work related to the project was continued. ये बोल रहा है कि वर्कर्स नहीं आए लेकिन काम ना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलता रहा उस प्रोजेक्ट के ऊपर. इसका मतलब सस्पेंशन ना करूं, एक्टिव डेवलपमेंट तो चल रही है ना. एक्टिव डेवलपमेंट हैज नॉट स्टॉप्ड. ऑन साइट वर्क वाज अगेन कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी एंड ऑल द वर्क वर कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च. वो बोल रहा है 1 जनवरी को फिर ऑन साइट वर्क मतलब वर्कर्स आना स्टार्ट हो गए, काम स्टार्ट हो गया दोबारा से. अज्यूम दैट एक्सपेंडिचर वॉज इनकर्ड ऑन 1st डे ऑफ ईच मंथ. हाँ जी, सब सिंपल है चीज. यहाँ पे कोई मुश्किल लग रहा है अभी तक क्वेश्चन? क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, सिंपल है. अच्छा, इसमें स्पेसिफिक बोरिंग से जनरल बोरिंग से ऊपर करें, कर देते हैं. कहाँ लिखा है? नहीं, एक अब एक सेकंड रुको, आराम से, इतना फोकस, इतना तेज नहीं. प्रोजेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने एक प्रोजेक्ट अंडरटेक किया. कहीं पे ये लिखा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट लिया है? स्पेसिफिक बोरिंग में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है वो हमने प्रोजेक्ट लिया है, हमने जब लोन लिया है हमने स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट के लिए लिया है. अगर ये चीज नहीं लिखी तो प्रॉब्लम है, राइट? चले, तो ये जनरल बोरिंग्स की बात कर रहा है सारी. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एनी आइडिया? मंथली इंटरेस्ट निकालेंगे. अब इसमें ना अच्छी बात पता है क्या है, इसमें आपको कैपिटलाइजेशन रेट नहीं निकालना क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है, ओडी का रेट ऑलरेडी गिवन है. इस क्वेश्चन में जो आपको काम आसान क्या हो गया, ये जो 1.25% पर मंथ है ना, ये अगर ये 15% ये आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप सिंपल आप क्या करना है, उस महीने का खर्चा देखना है और 1.25% से मल्टीप्लाई कर देना है, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, चले करें, स्टार्ट करें थोड़ा. नहीं, हर महीने का सिंपल है, महीने पे इंटरेस्ट देंगे हम. ठीक है, चलते हैं. पहला खर्चा कौन सी डेट को हो रहा है? अक्टूबर 1 को. उस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि हाँ, अज्यूम करो कि 1st डे ऑफ एवरी मंथ को खर्चा हुआ है. तो पहला खर्चा कब हुआ है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका. इसको डेट ऑफ एक्सपेंडिचर अमाउंट इंटरेस्ट
एक थर्ड कॉलम बनेगा कॉम्यूलेटिव अमाउंट का, हाँ जी, डेट डालो यहाँ पे, पहली डेट है 1/10/16/17, क्या है? वन टेन फिफ्टीन, 1/11/15, 1/12/15, 1/1/16, ये 1/1 अमाउंट लिखो। अच्छा, दिसंबर में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ तो नीला जाएगा। यहाँ 4 लाख, 50,000 जनवरी में, 2 लाख, और यहाँ पे 12 लाख। अब 1.25% कर दूं यहां पे, कितना आएगा फटाफट टोटल बताओ मुझे। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर भी रहा हूँ, साथ साथ तुम भी बताते रहो मुझे। 4 लाख का 5,000 रुपये। अब रुको, एक सिर्फ यहीं पे रुकना। 4 लाख का 5,000 रुपये, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, वो ये है कि जो 4 लाख रुपये पे हमें हाथ किया, तो ऐसा तो हो नहीं रहा कि हम, जैसे मान लो लोन लिया, उसी महीने का महीने से वो बोल रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ना कि लोन की रिपेमेंट हो रही है, ओवरड्राफ्ट चलता रह रहा है। तो ये जो अमाउंट है ना, ये 4,05,000 रुपये बन जाएगा, ठीक है? अब अगले महीने ना इंटरेस्ट जो लगेगा वो 7,95 + 4,5 पे लगेगा। यस और नो, समझ में आया क्या हो रहा है यहां पे? हाँ अमाउंट बताना मुझे कितना आएगा। 7,95 + 4,5, 12 लाख रुपए। 12 लाख का 1.25%, अब 15,000 कॉम्युलेटिव अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, 12,15,000। अच्छा, दिसंबर में वर्कर्स काम पे नहीं आए, खर्चा नहीं हुआ, लेकिन ऑन साइट डेवलप सस्पेंशन तो नहीं हुई है, इसका मतलब इंटरेस्ट तो लगेगा। इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 12,15,000 पे। 12,15 पे कितना कितना लगेगा? दोबारा बोलना, 15,000, 188 कर लूँ यहाँ पे बताना। 12,30,000, 188, ये आ रहा है मेरा तो, ठीक है? अब इसमें 50,000 रुपये ऐड करो, सिक्सटीन थाउजेंड टू। अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुक जाओ, आराम से, जल्दी जल्दी नहीं करनी, आराम से चल रहे हैं हम। 16,002 तो तुमने बोल दिया, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से एक बार। सरप्लस कैश इन जनवरी, जनवरी में, ओके, ओडी है ही नहीं जनवरी में, देर इज नो ओडी, सरप्लस कैश है। हैं,
सरप्लस कैश समझ में आया क्या हुआ है? ऑडी नहीं है तो फिर जनवरी में इंटरेस्ट दूं या ना दूं? नहीं होगा ना, 50,000 नहीं होगा ना। इसका मतलब कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हो रही है। यहां पे कितना लिखूं मैं? कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। कैश सरप्लस है तो मैं जनवरी के मंथ में कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा, बट दिसंबर में सॉरी फेब में मेरा दोबारा ऑडी हो गया है। अब तुम्हें पता है कंफ्यूजन कहां पे आ रही है? आई विल टेल यू सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तुम इसको ना लोन मान रहे हो। देखो समझो बात को, एसेट का खर्चा, सॉरी क्या रेखा रेखा लगी, एसेट का खर्चा एंड लोन लेना दो अलग बातें हैं। ये जो सारा खर्चा हो रहा है ना, ये एसेट के ऊपर हो रहा है, ये लोन का इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है। जब यहाँ इस महीने में कोई मेरा लोन ही नहीं था तो मैंने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की, लेकिन अगले महीने में मेरा इसने बताया कि जो आपका फेब में लोन है 14 लाख रुपए का लोन है। क्या 12? एग्जैक्टली 12-30 का पैसा तो खर्चा किया हुआ है ना, तो 14 लाख रुपए का जो है, 14 लाख में से 12 जो 80 हो जाएगा अब, तो 12-80 पे मैं कैपिटलाइज तो करूंगा उसको। यस और नो? ये जो 12-80 है, 12-80 प्लस इनफैक्ट 2 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे अगले उसमें फेब में। तो इसमें अच्छा एक चीज बताओ, ये 12-80 प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा? 14-80। लेकिन लोन कितने का है? सिर्फ 14 लाख का। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो 14 के हिसाब से जाएगा। यहाँ पे द सिचुएशन टेबल टर्न हो चुके हैं। यहाँ पे क्या हो गया है प्रॉब्लम? जो प्रॉब्लम हो गई है वो मंथली काम हो रहा है यहाँ पे। तो मंथली जितना पैसा आपका आउटस्टैंडिंग है, उस पैसे पे उस मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ, काम खत्म। अगर उस मंथ में कोई लोन ही नहीं लिया हुआ, जैसे यहाँ पे लोन जीरो था, तो 0 × 1.25% हमने कर दिया था क्योंकि लोन ही जीरो था। यहाँ पे लोन ज्यादा का था, यहाँ पे भी लोन ज्यादा का था, मतलब बेसिकली अक्टूबर में नवंबर में लोन ज्यादा का था। तो हमने बोला कि देखो लोन मान लो, अगर इस बारे में मान लो लोन 10 लाख रुपए का था, तो हमने बोला 4 लाख रुपए तो आपका हमारे एसेट में लगा हुआ था, हमारे प्रोजेक्ट में लगा हुआ था। सिमिलरली अगर नवंबर में लोन 20 लाख का था, तो हमने बोला कि इनमें से इतना पैसा 12 लाख रुपए, दिस प्लस दिस, ये 12 लाख रुपए हमारे एसेट में प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, उसका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकाला हमने। फिर अगेन हमने मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। इस केस में हमारा कोई लोन ही आउटस्टैंडिंग नहीं था। ऑब्वियसली हमारा एसेट में पैसा लगा हुआ था या प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ था, बट कोई लोन ही नहीं था तो हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अगले साल में मेरा टोटल पैसा कितना ब्लॉक है? 12-80 प्लस 2, 14-80, लेकिन लोन कितने का? 14 लाख रुपए का। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 14 लाख × 1.25%। फिर ये अमाउंट यहाँ पे कॉम्युलेटिव अमाउंट निकाल दो, कितना 14 लाख का 1.25% कितना होगा? थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। 17,500। अब ये अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे कॉम्युलेटिव अमाउंट? नहीं नहीं नहीं, 2 लाख भी तो ऐड करेगी ना, कोई बात नहीं। 1497,688। इसमें अब एक देखना है, लास्ट में मार्च में कितना लोन पड़ा हुआ है? 30 लाख रुपए का, ठीक है। और मेरा टोटल कितना? 14 + 12 कितना आएगा? 26 लाख के आसपास आएगा, 26-27 लाख। तो टोटल पे लगा सकता हूँ मैं, लगा सकता हूँ टोटल पे। तो 14 + 12 इस पे 1.25% पे इंटरेस्ट लगा दो। ठीक है, किस पे भाई? ले लो, 30 से कम है ना। हम तो हमें कैपिटलाइज कितने पे करते हैं? एक्सपेंडिचर जनरल बोर्डिंग्स कर रहे थे हमने इससे पहले क्वेश्चन में। जनरल बोर्डिंग्स मान लो 20 लाख की थी, लेकिन मेरे एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग मान लो 15 लाख है, तो मैं 15 लाख पे वो कैपिटलाइजेशन रेट लगाऊंगा। वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ, अगर मान लो मेरी जनरल बोर्डिंग्स होती 14 लाख रुपए की, लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन एसेट होता मेरा 15 लाख का, तो मैं 14 लाख का लगा सकता हूँ इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट ही नहीं है मेरी, कैपिटलाइज कैसे कर दूंगा मैं ज्यादा। समझ गया, ज्यादा होना कैपिटलाइज कर दूंगा मैं इंटरेस्ट कॉस्ट को अपने।
हाँ लोन पूरा, मतलब बेसिकली आपने जब इंटरेस्ट की ईएमआई पे की है कभी कार की ईएमआई? अगर कार की एक एक महीने की ईएमआई पे नहीं करते तो क्या होता है, उस ईएमआई पे भी इंटरेस्ट लगता है। सिमिलरली ये उसकी इस महीने की ईएमआई थी जो उसने पे नहीं की, तो इंटरेस्ट तो लगेगा। हाँ ऐड होता जा रहा है। जैन में कहाँ खड़ा है, जैन में तो सरप्लस है, ओवरड्राफ्ट तो है ही नहीं जैन में। जैन अच्छा, और इस पे एक चीज बताओ मुझे, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तुम लोन और ओवरड्राफ्ट में कंफ्यूज हो रहे हो, लोन और ओवरड्राफ्ट में कंफ्यूज हो रहे हो। एक सेकंड रुको, यहीं पे चलते हैं एक बार। लोन होता है, अच्छा ओवरड्राफ्ट और लोन में डिफरेंस क्या है? एक तो हाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, चलो ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया सबसे बड़ी, तो तुम्हारी चलो बात मान ली। सबसे जो बड़े डिफरेंस होता है ना लोन में, क्या होता है, तुम इसको पैसा लेते हो, तुमने मान लो इसको मनी बोरो कर लिया बैंक से, यहाँ पे तुम ना बोरो नहीं करते, मतलब मैं इसको बोरो नहीं बोलूंगा, पता है क्यों? मैं इसको बोलूंगा ट्रांजेक्शन ज़्यादा कर ली मैंने अपनी, तो मेरा बैलेंस, जैसे मेरा जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस है ठीक है, तो मेरे पास अगर मान लो सेल आई तो ये बैलेंस ऊपर बढ़ गया, और मान लो परचेज ज्यादा कर ली तो नीचे चला गया, ये ऐसे चलता रहता है। तो जब ये इस ये वाला पोर्शन होता है ना, ये नीचे वाला, दिस इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट। अब मान लो ये ही मेरा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मेरी बैंक के साथ चल रही थी, ठीक है, बैंक के साथ मेरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चल रही थी, अज्यूम कर रहे हैं ये है मेरा नवंबर एंड अक्टूबर एंड दिसंबर, एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, मैंने सेल कर दी, कोई लोन रीपे नहीं किया, सेल कर दी, सेल करने से कुछ पैसा आ गया, ठीक है, सेल करने से पैसा आ गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि एसेट पे जो खर्चा किया था मैंने, जो एसेट पे मैंने खर्चा किया था या उसको कैपिटलाइज करा था कि मैंने लोन रीपे कर दिया, इसका मतलब क्या ये हुआ, यस और नो, एसेट पे क्या मैंने लोन रीपे कर दिया है, इसका मतलब क्या ये हुआ? अगर मनी बोरो करते और लोन रीपे करते तो समझ में आता कि अब तो लोन रीपे हो गया, तो अब लोन रीपे होने की, और इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें सिखाया भी था ना कि जब सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन में एक कंडीशन क्या थी, आइदर लोन हैज बीन रीपेड और एक्टिव डेवलपमेंट हैज टेक, मतलब एक्टिव डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है, टर्मिनेट जिसको मैं बोलता हूँ, पूरी हो चुकी है, दो कंडीशन थी, एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो मैं बोलता था इसको कैपिटलाइजेशन बंद कर दो। वो किसके केस में था, लोन के केस में, ओवरड्राफ्ट के केस में वो प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ नहीं कर सकते, ओवरड्राफ्ट इज समथिंग डिफरेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हर महीने का अलग से इंटरेस्ट आ रहा है 1.25% पर मंथ। कार की ईएमआई ली है कभी, उसमें जिसने लिया है कार की ईएमआई वो ही कैन रिलेट कि कार की ईएमआई में यही होता है, हर महीने का एक्यूमुलेट होता जाता है अगर आप ईएमआई पे नहीं करते तो। हाँ, और जैसे मेरा सेल मान लो नेक्स्ट मंथ में मैंने खर्चा किया प्रोजेक्ट के लिए, तो ये दोबारा नीचे चला गया, तो जितने अब अभी गया नीचे कम से 14 लाख से नीचे गया सिर्फ ये 14 लाख से, जबकि मेरा खर्चा कितना था 1497 समथिंग था ना कुछ, जो भी 14 से ज्यादा खर्चा था मेरा, तो मैं तो 14 पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता हूँ ना बस, तो जो भी इंटरेस्ट होगा उसको मैं कैपिटलाइज कर दूंगा, ठीक है। मंथली फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट है, ऊपर नीचे बैलेंस जाएगा आपका। हाँ जी इसके ऊपर एक वर्किंग नोट जाएगा आपका, वर्किंग नोट वन, सॉरी वर्किंग नोट वन, एक तो आपको दिसंबर में एक वर्किंग नोट लिखोगे कि देखो एक्टिव डेवलपमेंट हैज नॉट स्टॉप्ड, आप बताओगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अभी भी हो रहे हैं तो एक्टिव डेवलपमेंट स्टॉप नहीं हुई है, तो मैं सस्पेंशन नहीं कर रहा हूं। सेकेंड वर्किंग नोट जाएगा ये वाला कि सिंस सरप्लस कैश है जनवरी में, तो हम उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं। थर्ड नोट जाएगा मेरा यहाँ पे कि जो मेरा वैसे तो मेरा कॉम्युलेटिव अमाउंट ज्यादा बन रहा है, लेकिन सिंस मेरा लोन 14 लाख रुपए का है तो मैं 14 लाख रुपए पे ही बोरिंग कॉस्ट लगा के चल रहा हूँ। नहीं नेचर लोन है, कौन सा 14 लाख कह रहा है, क्या कह रहा है, ये ओवरड्राफ्ट कह रहा है, ये वाला जो 12-30 है, 12-30 ये, हाँ तो जा तो रहा है,
बट जनवरी में प्रॉब्लम ये है ना, जनवरी में तो सरप्लस है ना, कैश सरप्लस है। देख इंटरेस्ट की एक्चुअल इंटरेस्ट तो कुछ गया ही नहीं बैंक को। देर इज नो इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर ओवरड्राफ्ट सरप्लस में है तो क्या इंटरेस्ट कॉस्ट होगी? नहीं होगी भाई। देख कोई देख मैं क्या तो इस पूरे चैप्टर में क्या सीख रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हम सीख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है उसको या तो कैपिटलाइज करते हो या एक्सपेंस ऑफ करते हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, जहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट ही नहीं है, इन दोनों की बात भी करेंगे हम? नहीं करेंगे। जनवरी में इंटरेस्ट कॉस्ट ही नहीं है मेरी, तो मैं उसको कैसे कैपिटलाइज कर दूं? समझ रहा है? पूरे चैप्टर में ये तो सीख रहे हैं कहां पे कैपिटलाइज कहां पे एक्सपेंस ऑफ। जब वो चीज ही नहीं बची तो मैं कैसे कर दूं उसको? अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक है, तीन वर्किंग नोट जाएंगे। अगेन बता रहा हूं, वर्किंग नोट वन आप बताओगे कि सस्पेंशन में क्यों नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अभी भी चल रहा है और एक्टिव डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। वर्किंग नोट टू जाएगा। वर्किंग नोट टू में आप लिखोगे कि देखो जनवरी के मंथ में सरप्लस कैश है, देर इज नो बैंक ओवरड्राफ्ट, देयर फॉर नो इंटरेस्ट हैज बीन चार्ज्ड। और एक दिस जो ये फेब में एक वर्किंग नोट जाएगा जिसमें कि आप साफ साफ लिखोगे कि देखो ऐसा है, हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 14 लाख से ज्यादा है बट हमारा जो एक्चुअल बोरिंग अमाउंट है वो 14 लाख है, तो मैं 14 लाख पे ही इंटरेस्ट कॉस्ट लगा के चलूंगा अपनी, जो कि मेरी 17,500 आएगी। इन तीन में से एक भी वर्किंग नोट स्किप किया ना, एक नंबर कट जाएगा, पहले बता रहा हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, द बोरिंग प्रोफाइल ऑफ संतरा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। यस, संतरा फार्मास्यूटिकल। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, ये मैंने गलत नाम चुन लिया, बट ठीक है, इट्स लेट्स मूव ऑन। डेट दी हुई है कि 1 जनवरी 16 उस पर बोरिंग की 15% डिमांड लोन, ठीक है, कितने का अमाउंट बोरो किया? 60 लाख रुपए का। और वो बोल रहा है इसका पर्पज क्या था? एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। अभी आते हैं देखते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसिस, ये क्या होते हैं? 8.33% AS16 की बोरिंग कॉस्ट में ना, यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं बोरिंग कॉस्ट की दोबारे से। हाँ जी, ये बोल रहा है बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ द फंड्स। अदर कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स, इट मे इंक्लूड इंटरेस्ट कमिटमेंट चार्जेस, अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन फाइनेंस चार्जेस, एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है। इट मे इंक्लूड, अब जो ये इंक्लूड वर्ड होता है ना, इज दिस एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव? इट्स इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये तो है ही, कुछ और कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो माइंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बोरिंग से जितनी भी रिलेटेड कॉस्ट होती है वो सारी मेरी बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो अदर कॉस्ट में जैसे हमारे केस में यहाँ पे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब कि मान लो फाइलिंग फीस हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गया ऑफ द लोन, ये सारी एक्सपेंस भी मेरी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। AS60 तो ये बोला इंसिडेंटल एक्सपेंसिस में भी मेरी बोरिंग कॉस्ट जाएगी। सेकेंड, 14.5% टर्म लोन, 40 लाख, एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दिस इज स्पेसिफिक लोन। यस, इंसिडेंटल 5%, 1 अक्टूबर 16 आया, 14% बॉन्ड्स है, 50 लाख के, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, 8% मेरा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ठीक। हाँ देखेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि क्या क्वालिफाई है क्या क्वालिफाइंग नहीं है। तो बोला इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कंसिस्ट ऑफ कमीशन एंड सर्विस चार्जेस फॉर अरेंजिंग द लोन्स एंड आर पेड आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट लाख। तो बोल रहा है कमीशन और सर्विस चार्ज है, ठीक है। फिक्स एसेट्स कंसिडर एज क्वालिफाइंग एसेट्स आर एज अंडर। तो बोल रहा है 10 लाख रुपए का स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग शेड, ये क्वालिफाइंग है। प्लांट एंड मशीनरी 90 लाख रुपए की, ये आपकी क्वालिफाइंग है। एंड अदर फिक्स एसेट 10 लाख रुपए की क्वालिफाइंग है।
ठीक है, तो टोटल में बात करूं अगर 40 लाख, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 40 लाख फाइनेंस्ड आउट ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग्स एंड 50 लाख आउट ऑफ जनरल बोरोइंग्स, राइट। तो 1.1 CR वो बोल रहा है कि आपका ये पैसा, ये टोटल पैसा आपका क्वालिफाइंग एसेट में जा रहा है। द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2017। तो इसका मतलब जो इनका फाइनेंशियल ईयर, इनका जो ईयर है ना, वो है आपका 16, 2016। तो 1/1/16 से लेकर 31/12/17 तक, सॉरी 31/12/16, 16, ठीक है, ये आपका ईयर, कैलेंडर ईयर चल रहा है इनका। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ एंड इज रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। तो जिस दिन कमर्शियल प्रोडक्शन के रेडी हो गया, हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे। शो द कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरिंग कॉस्ट, कर सकते हो इसको। सबसे पहले स्पेसिफिक लोन देखूं मैं कितना है, स्पेसिफिक लोन की बोरिंग कॉस्ट निकाल लूं। सॉल्यूशन करा, हाँ जी, पहला स्पेसिफिक बोरिंग्स, कितने की थी, 14.5% टर्म लोन 40 लाख, तो इस पे कौन सी डेट को है ये, 1 जुलाई, मतलब 6 मंथ्स हो गया ना, तो इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल सकता हूं मैं। क्या ये आ रही है सबकी, 6/12 दिल 1 जुलाई 16, नहीं यार, तो सीधा सीधा राउंडिंग ऑफ हो जाएगी ये, तो 1 लाख 40 लाख का लोन है ना भाई, क्या कर रहे हो, 2,90,000, हाँ ये आनी चाहिए ना, ठीक है। अब इंसिडेंटल एक्स, हाँ मैं कोई, तूने क्या किया था इससे पहले, ओके हाँ जी, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कैसे निकालते हैं देखना है। हमारा ये जो 5% पर एनम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये 5%, ये 5% है, तो 5% ऑफ लोन अमाउंट होता है हमेशा, लोन अमाउंट, तो 40 लाख इंटू 5%, और इसमें कोई पर एनम कुछ नहीं लिखा हो, टोटल 5% है, तो 2 लाख रुपए, तो 4,90 मेरी स्पेसिफिक बोरिंग की कॉस्ट आ चुकी है। अब यही काम आप जनरल बोरिंग के साथ कर सकते हो, चलो करो तो कर सकते हो, तो ऐसी चेष्टा बोल रही है अब। सो जनरल बोरिंग्स, यस जनरल बोरिंग्स कितना है, दो दो लोन है जनरल बोरिंग्स के, फर्स्ट इज 1 जनवरी वाला जो है, अच्छा हम ये जनरल बोरिंग्स के साथ क्यों कर रहे हैं हम ये चीज, हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है हमें यहां से, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। ये पूरा 12 मंथ के लिए है, इसकी अमाउंट बताना मुझे एक बार कितनी आएगी, 9 लाख, और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी बता दो। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी, 9 लाख, 5 लाख कर देते हैं, इसको राउंडिंग ऑफ कर देते हैं ना, तो 14 लाख, और दूसरा क्या लोन है आपका,
14% बॉन्ड्स हैं। ऑफ ₹50 लाख, नहीं 3 मंथ्स, एक 75 और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 4 लाख, टोटल हो गया 5,75,000। हाँ जी, ये आपकी बोरिंग कॉस्ट हो गई है, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, अच्छा ये ना इसको मैं बोरिंग कॉस्ट बोलूंगा ना कि इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट में इंसिडेंटल एक्सपेंस ऐड होकर बोरिंग कॉस्ट बन गया है ऑन 14% बॉन्ड्स। और टोटल बोरिंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरिंग्स कितनी आ गई मेरी, ए प्लस बी क्या आया है, 19,75,000 रुपये। यहाँ तक ठीक है, अब एवरेज बोरिंग निकाल सकते हो, एवरेज आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स, जनरल बोरिंग्स एक्चुअली कैसे कैसे निकला, 15% लोन है और 14% बॉन्ड्स है, 60 लाख। I can learn to understand you much better if I... हाँ जी, अमाउंट 60 लाख एवरेज आउटस्टैंडिंग जनरल बोरिंग्स, 60 लाख इंटू 12 बाई 12 प्लस 50 लाख इंटू 3 बाई 12। किसी को डाउट है यहाँ पे, बस इसका अमाउंट बता दो मुझे कितना आ रहा है, 72,50,000। अब मेरा वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी, या फिर किसको मैं कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलता हूँ, 1975, 72 लाख डिवाइड बाय 27.24। यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन सही है। अब क्या करना है, मेरे पास तीन चीजें हैं, मेरे पास फर्स्ट इज माय स्टरलाइट मैन्युफैक्चरिंग शेड, स्टराइल सॉरी स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग शेड है मेरे पास, देन आई हैव प्लांट एंड मशीनरी अदर फिक्स्ड एसेट्स, तीन चीजें हैं। अमाउंट फाइनेंस्ड थ्रू स्पेसिफिक बोराइंग्स और अमाउंट फाइनेंस थ्रू जनरल बोराइंग्स निकाल सकता हूं।
ये मेरा हो गया यहाँ पे, मैंने बता दिया कौन सा कितने से फाइनेंस है। तो जो प्लांट और मशीनरी 40 लाख, कितना लोन है इसका 40 लाख का? स्पेसिफिक बोर्डिंग कॉस्ट कितनी आई थी मेरी? 490। 490 तो स्पेसिफिक बोर्डिंग कॉस्ट का कैपिटलाइज हो जाएगा। अच्छा 490 क्यों किया मैंने? क्योंकि स्पेसिफिक तो मैं एक्चुअल ले जाता, स्पेसिफिक तो मैं एक्चुअल लेता हूँ, और जनरल बोरिंग कॉस्ट सिंपल है 10 लाख, 50 लाख और 10 लाख का कैपिट 20 × 27.24%, राइट? पचास लाख इंटू 27.24% और 10 लाख इंटू 27.24% आपका आंसर आ जाएगा। फोर्टी किया है, 50 किया है? 50 कर तो दिया, ये क्या है? ये रहा 40, ये रहा और 50, ये रहा। मोहित बोलने वाला है चेष्टा को, बस कुछ उसको देख रहा है ऐसे ही। हाँ जी, ये इसका अमाउंट बताना कितना है? 50 लाख इंटू 27.24%, 13 लाख। हाँ ठीक है, 13 लाख, 13,62,000। हाँ जी, टोटल बता दो मुझे कितना आ रहा है इसका? 272,400 प्लस 272,400 प्लस 1362, 13 प्लस 5, 6,800 बोला तूने? 19,68,000, ये कौन सा फिगर है ये? अच्छा, तूने 68, ठीक है, ये आ गया आपका। भाई कोई डाउट है फटाफट पूछ लो, इसमें आगे मूव ऑन कर रहे हैं हम। ये सारे क्वेश्चन ना बाय हार्ट आपको पता होने चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज, कि क्या क्या हम क्यों क्यों कर रहे हैं। सारे अच्छे क्वेश्चन है, काफी है। अच्छा हाँ, नहीं वो भी अच्छा है, अभी आ जाएगा वो। एक्चुअली मंथली की वजह से दिक्कत आ रही है तुम्हें, मंथली ना हो ना और ओवरड्राफ्ट ना हो तो तुम्हें वो भी सिंपल लगे। हाँ इसमें हाँ जी, 9th क्वेश्चन हो गया, 5th, सॉरी 7th, 7th, 8th, 9th और 6th, 6th, 7th, 8th, 9th, सब पे इंपॉर्टेंट लिखो।
17 segment reporting segment. Seventeen is like very very small, very small chart. हाँ जी, AS 16 में ना एक टॉपिक बचा हुआ है बस, लेट्स डू दैट टॉपिक ऑल्सो. लास्ट पेज खोल लो अपना. AS फॉरेन करेंसी लोन. अब AS 16 से लिंक करवाते हैं. AS 16 और AS 11 को लिंक करना है थोड़ा सा हमें. चले हाँ जी. सो ये बात कर रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ जितने भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट या लोन देखे थे ना, वो सब इंडियन INR डिनोमिनेटेड थे. व्हाट हैपन? अच्छा, उल्टा पेज स्टेपल किया हुआ है मैं. ठीक है, सॉरी यार. तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अभी तक आपने जितने भी लोन देखे थे वो सारे INR डिनोमिनेटेड लोन थे. ठीक है, कहीं पर फॉरन करेंसी उनकी कोई बात नहीं हुई थी. सिंपल था, INR में लोन था और आपने INR में उसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके और रिपोर्टिंग के पर्पज से सब INR में हो रहा था. अब वो बोलता है व्हाट इफ अगर लोन फॉरेन करेंसी लोन हो, तो जहां पे भी फॉरेन करेंसी आ गई वहां पे AS 11 का रेफरेंस आता है. राइट, तो सबसे पहले हमें देखना है कि देखो, पहली बात तो अगर फॉरेन करेंसी लोन है, देखो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंपल सा मैं देखूं तो, मान लो मेरे को कोई बोल दे कि मैंने 100 मिलियन का लोन लिया है एट 5% पर एनम पे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. क्यों प्रॉब्लम नहीं है? 100 मिलियन का मतलब होता है, तो पहले एक बार देख, $5 मिलियन की मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करनी है. ठीक है, $5 मिलियन की मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करनी है एट द ईयर एंड. साल के एंड में मुझे इतना पेमेंट करना है, तो जो भी साल इस दिन पे इंटरेस्ट रेट चल रहा हो, सॉरी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, वो रेट लेके मैं पेमेंट कर दूंगा, वो मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, मतलब जस्ट दैट के थोड़ा सा बस वो देख के डर जाने वाली बात है, अदरवाइज कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें. इंटरेस्ट कॉस्ट आया 100 मिलियन इंटू 5% किया, तो $5 मिलियन की कॉस्ट है, और जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है 48 रुपीज का, उसमें मैंने पेमेंट कर दी. मान लो ये जो भी आंसर आता है 48.5 जो भी आता है. ठीक है, अब बात आती है कि प्रॉब्लम आती कहाँ पे है. प्रॉब्लम आती है AS 16 और AS 11 में ना. तो पहले हम समझते हैं लोकल बोरिंग की अगर आपको कॉस्ट अवेलेबल है, चलो इसको भी छोड़ो, प्रॉब्लम कहाँ आती है. प्रॉब्लम पहले ये देखते हैं. मान लो मैंने फॉरेन करेंसी में एक लोन लिया $100 मिलियन का एट 5% पर एनम पे, तो इस केस में ना मेरे को दो दिक्कतें हैं. पहली दिक्कत, मुझे एक तो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, वो तो एनीवेज मुझे करनी पड़ती. सेकंड प्रॉब्लम क्या है ना, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, इज नॉट फिक्स्ड इन INR. तो मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होती रह सकती है. एग्जांपल लेते हैं, इस जिस दिन लोन लिया था मान लो 1/4/16 को एक्सचेंज रेट था 45, 31/3/17 को एक्सचेंज रेट हो गया 48. अब प्रॉब्लम देखते हैं क्या आई. इंटरेस्ट पेमेंट कर दी कितने पे, 100 मिलियन इंटू 5% इंटू 48. और जो मेरा लोन था, लोन कितने का लिया था मैंने, 45 के रेट से. इसका मतलब कितना होता है, 4500 मिलियन रुपीज का मैंने लोन लिया था. ठीक है, इतने का मेरा लोन लिया था मैंने. अब ये जो लोन की लाइबिलिटी है ना मेरी, ये कितने से बढ़ गई मेरी, 300 मिलियन रुपीज से मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई है, 300 मिलियन रुपीज से. तो प्रॉब्लम सारी ना इस वजह से है, किसी को भी ना इससे प्रॉब्लम नहीं है. बोलो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट लोन लिया, इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी. प्रॉब्लम है ये कि देखो, जो हमारी इंटरेस्ट की इंटरेस्ट और ठीक है, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट की भी जो ना अमाउंट हो रही है वो भी बढ़ती जा रही है हर साल, अगर मेरी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो. ठीक है, प्रॉब्लम सारी आती है इस वाले पोर्शन पे. नेक्स्ट, अब देखते हैं कि AS 16 में क्या ट्रीटमेंट किया हुआ है इसका. तो वो इसमें पहला बताया गया कि आपको लोकल बोरिंग्स की कॉस्ट अवेलेबल है. ठीक है, तो हमने बोला हाँ है. तो बोल रहा है कि क्या आपको एक्सचेंज गेन आ रहा है. मतलब क्या हुआ एक्सचेंज गेन आने का, ये जो 45 था ना ये 40 हो गया, तो मेरे को तो बेनिफिट हो जाएगा, एक्सचेंज गेन आ गया ना मुझे. तो ये बोल रहा है कि एक्सचेंज गेन हो रहा है. मैंने कहा बिल्कुल हो रहा है. तो इसने बोला, तो इसको AS 11 में देखना. AS 11 में जो भी आप एक्सचेंज गेन का करते हो, क्या करते हैं हम उसको, प्रॉफिट लॉस में डाल देते हैं एक्सचेंज गेन को. तो ठीक है ना, एक्सचेंज गेन को प्रॉफिट लॉस में डाल देते थे हम. तो बोला आप उसको वहीं देख लो, यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं, आप AS 16 से कोई लेना देना है ही नहीं इसका. तो क्या, सो दिस इज
पाथ वन लोकल बोरिंग सी कॉस्ट अवेलेबल है और आपको एक्सचेंज गेन हुआ है तो आप उसको AS11 में डील करोगे. सेकंड पाथ कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग अवेलेबल ही नहीं है आपको, लोकल बोरिंग की कॉस्ट अवेलेबल ही नहीं है तो उस केस में इसको मैं बोल रहा हूँ पाथ टू. तो बोला कोई बात नहीं अवेलेबल नहीं है आपको तो भी आप AS11 में देखना, यहां मत आना. प्रॉब्लम जो एक जो पाथ थ्री है ये वाला पाथ, ये पाथ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लोकल बोरिंग सी कॉस्ट अवेलेबल भी है आपको और आपको एक्सचेंज लॉस आ रहा है जो हमारे केस में आ रहा था 45 से 48 हो रहा था. सिर्फ उस सिचुएशन में, सिर्फ उस सिचुएशन में AS16 की बात आएगी. ठीक है, एक्सचेंज लॉस आना चाहिए. अगर एक्सचेंज लॉस नहीं आ रहा तो, अगर एक्सचेंज गेन आ रहा है तो AS11 या फिर कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग्स अवेलेबल नहीं है तभी भी AS11. तो बोला एक्सचेंज लॉस आ रहा है आपको, मैंने कहा आ रहा है. तो कहते क्या करें फिर, उन्होंने बोला लोकल बोरिंग्स की कॉस्ट निकाल लो. मतलब क्या कि अगर वही पैसा आप इंडिया में रेज करते तो कितनी कॉस्ट आती है आपकी, तो मैंने वो निकाल ली. उसने बोला अब कितनी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट का मतलब कितनी इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है आपकी, तो मैंने कहा इतनी आ रही है जी जो भी उसमें था. उसने बोला जो भी आपकी सेविंग्स हो रही है ना, जो भी सेविंग्स हो रही है अप टू दैट अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस तो आप AS16 में डील करोगे और बियॉन्ड दैट आप AS11 में डील करोगे. डोंट वरी, एग्जांपल लेके करेंगे इसको. बाहर से अगर आपने सस्ते में लोन उठाया है, बाहर 5% से उठाया है, इंडिया में 11% अवेलेबल था, सेविंग्स हो गई, तो अप टू दैट सेविंग्स आपकी बोरिंग कॉस्ट में AS16 का पार्ट बन जाएगा. अभी एक क्वेश्चन करते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स, कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स इंटरेस्ट. चलो एक क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ इसी के नीचे, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जाम्पल. देखो पहले याद रखना पाथ वन और पाथ टू AS16 के स्कोप से बाहर है. लोकल बोरिंग की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है आपको या फिर अगर अवेलेबल है तो एक्सचेंज गेन आ रहा है, तो ये सब आपके AS16 से बाहर है. AS11 में देखना है इसका और आपको पता है AS11 में आप क्या करते हो. इसका AS16 में सिर्फ एक बात है कि लोकल बोरिंग की कॉस्ट भी अवेलेबल है एंड एक्सचेंज लॉस आ रहा है, वहां पे हम यहाँ पे डील करके चलेंगे. तो बोलता है एक्स लिमिटेड हैज टेकन अ लोन ऑफ USD 10,000, USD 10,000 का लोन लिया ऑन April 1, 2003 को फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है, स्पेसिफिक या स्पेसिफिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफिक बोरिंग सही है. एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम पेएबल एनुअली, कोई दिक्कत नहीं है. स्पेसिफिक बोरिंग्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कैपिटलाइजेशन रेट नहीं निकालना, कुछ नहीं करना. तो बोल रहा है April 1, 2003 को द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज वॉज 45. अरे सारा सेम एग्जाम्पल हमारा वही वाला बन रहा है. द एक्सचेंज रेट एज एट 31 मार्च 2004 को 48 हो गया एक्सचेंज रेट. यस और नो? तो वही सिचुएशन जो हमारी बन रही थी, लोन लिया बस अमाउंट चेंज हो गया लोन का. 5% पर लोन लिया था, $10,000 का लोन था, उस टाइम पे एक्सचेंज रेट 45 रुपीज था. जब एक साल बाद पेमेंट करने की बारी आई तो एक्सचेंज रेट बढ़ के 48 हो गया है, तो इसका मतलब एक्सचेंज लॉस हो गया. द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट कुड हैव बीन बोरोड बाय द एक्स वाई जेड लिमिटेड इन द लोकल करेंसी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11% एज ऑन April 1, 2003. सही है कि वो बोल रहे हैं 11% लोकल बोरिंग्स की कॉस्ट, लोकल बोरिंग्स की कॉस्ट भी अवेलेबल है हमें. इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग्स, ये भी अवेलेबल है हमें. तो ये पाथ थ्री बन गया पूरा का पूरा. अब देखते हैं फॉलोइंग कॉम्प्यूटेशन वुड बी मेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ पैराग्राफ 4E ऑफ AS16. मतलब ये निकाल रहा है कि कितना आप कैपिटलाइज कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले इसने बोला USD के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट कितना बनता है. तो मैंने बोला देखो $10,000 का लोन है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 48 का मेरा रेट है, तो सिंपल हो गया कितना, 24,000 रुपीज मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट बन जाती है. अब वो बोल रहा है अगर यही पैसा आप INR में उठाते तो कितनी कॉस्ट बनती इंटरेस्ट की. तो मैंने देखा कि इंटरेस्ट दैट वुड हैव रिजल्टेड इफ द लोन वॉज टेकन इन इंडियन करेंसी. तो देखो कितना लोन उठाता मैं, $10,000 × 45, क्योंकि पैसा तो मैं 4.5 लाख ही उठाता ना उस टाइम पे. जो पैसा उठाता मैं 45 के रेट से उठाता. तो बोला इतना रुपया अगर मैं 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उठाता तो मेरी कॉस्ट कितनी आती, 49,500. अब सेविंग्स कितने की हो गई मुझे, 49,500 माइनस 24,000, 25,500 की इतनी मुझे सेविंग्स हो गई हैं. ठीक है, अब मुझे देखना है मेरा एक्सचेंज लॉस कितने का हुआ है. मोहित, एक्सचेंज लॉस कितने का हुआ है, 10,000 × 3, 30,000 का. तो बोला 25,500 को तो आप AS16 में ले जाओगे, कैपिटलाइज कर दोगे AS16
25,500, और जो बचा 4,500 रुपये उसको मैं PNL में ले जाऊंगा एज पर AS 11। हाँ जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कुछ डाउट हो किसी भी पॉइंट में? यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, मैं इसलिए दोबारे दोबारे पूछ रहा हूँ। लुकिंग कंफ्यूज, समझ में आया क्या हुआ है? ये 25,500 ये है सेविंग्स है, तो बोला जितना सेविंग्स हुई है आपको वो ये है, बोला सेविंग्स अप टू द सेविंग्स वाला पोर्शन आपका AS 16 में चला जाएगा, और बियॉन्ड द सेविंग मतलब कितना था टोटल एक्सचेंज लॉस हुआ था मुझे 30,000 रुपये का, तो 30,000 माइनस 25,500 4,500 रुपये आया, 4,500 रुपये मैं AS 11 में डील करूंगा उसको। तो AS 11 में क्या करता था मैं इस पैसे को? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाता था, एंट्री क्या करता था वहां पे उर्वशी? नहीं 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 है, नहीं 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 मोहित, एंट्री क्या करता था उस टाइम पे मैं फॉरेन एक्सचेंज लॉस की? एंट्री क्या करूंगा? चलो एंट्री बताओ मुझे, सब कुछ छोड़ो, पूरा 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 एंट्री मतलब बेसिकली इस पूरे की एंट्री, जनरल एंट्री बताओ मुझे, लॉजिकली सोचना है हर चीज। देखो एक चीज मैं हिंट दे रहा हूं बस, टू फॉरेन करेंसी लोन 30,000 रुपये से बढ़ गया है मेरा, ये तो पक्का है। बैंक बढ़ा देगा? बैंक नहीं भाई, क्या हो गया है? फॉरेन एक्सचेंज लॉस 4,500 रुपये फिक्स एसेट, क्योंकि जो तुमने कैपिटलाइज कर दिया उसको, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? एसेट बढ़ गई, देख रहे हो तुम्हारे लॉजिक्स कहाँ जा रहे हैं। 25,500 एसेट को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है? यही तो होता है। सेकेंड एंट्री क्या होगी? PNL टू फॉरेन एक्सचेंज लॉस 4,500, लोन बढ़ गया, एसेट एसेट भी बढ़ गई, और वो PNL में चला गया 4,500 रुपये। इसको भी लिख लो वहीं पे, याद रहेंगी चीजें। भाई लॉजिक से करो हर चीज, बिल्कुल क्लियर है लॉजिक से ही, फुल सारी चीजें सही हो रही हैं। लोन बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगी, प्रॉफिट लॉस में 4,500 रुपये हिट होगा, तीन चीज होंगी, चौथी चीज के मतलब ही नहीं है इसमें। मैं रीपेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं इस टाइम पे। ये 60 में आखिरी सांसें ले रहा है आपका चैप्टर ये। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, एग्जैक्टली सेम है, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है बस ये। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको इसका, यू विल हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ। पहली बात है, हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग अ ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 फेजेस। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फुल बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर सेवरल ईयर्स, बट फेज वन एंड फेज टू ऑफ द बिल्डिंग विल बी स्टार्टेड एज सून एज दे आर कंप्लीटेड। फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द वर्क डन ऑन डिफरेंट फेजेज ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर। बिल्डिंग है उसके फेजेज है, जैसे कॉलेज है आपका, कॉलेज में काफी सारी बिल्डिंग है, मान लो लॉ फैकल्टी की बिल्डिंग बन गई तो कॉलेज बोला इसकी लॉ की फैकल्टी तो क्लास स्टार्ट करो, मान लो अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट या कॉमर्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बन गई तो बोला उतना काम स्टार्ट करो बाकी बनती रहेंगी, तो फेजेज में काम हो रहा है। तो पहला बोला फेजेज में है, पहले फेज में 34 लाख रुपए खर्चा हुआ,
दूसरे फेज में 64 लाख का, तीसरे फेज में 55 लाख का एंड फोर्थ फेज में 68 लाख का खर्चा हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फेजेस इज 221 लाख। तो लोन टेकन एट द रेट ऑफ 15% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, 15% पे लोन लिया हुआ है 200 लाख रुपए का। ये सारी जो फिगर है लाख में है ये, ठीक है, ये INR लैक्स है, यहाँ पे सारी फिगर लैक्स में है ये। अब वो बोल रहा है ड्यूरिंग द करंट ईयर फेज वन एंड फेज टू हैव बिकम ऑपरेशनल, फाइंड आउट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज एंड टू बी एक्सपेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या लग रहा है क्या होगा इसमें? सस्पेंशन नहीं, सीजेशन। फेज टू बन चुका है, बोल रहा ऑपरेशनल हो गया साल के दौरान। अब इसमें ना प्रॉब्लम क्या है, ये बोल रहा है हैव बिकम ऑपरेशनल ड्यूरिंग द ईयर, बट ये पता नहीं कब है। तो 6 मंथ्स इन्होंने अजम्पशन ली हुई है, तो बोल रहा है साल के बीच में, इन द मिड ऑफ द ईयर ये बिकम, इट हैज बिकम ऑपरेशनल, ठीक है। इन्होंने रीजनेबल अजम्पशन ली हुई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो किया क्या हुआ है सुन लो एक बार, इन्होंने 200 लाख पे निकाला 15% के हिसाब से, ठीक है, इसको चारों फेज में एलोकेट कर दिया। इस पैसे को करवाऊं या क्या, एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को अभी, आप 5 मिनट ट्राई करो, सोचो क्या होगा इसमें एंड उसके बाद मैं करवाता हूँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सिंपल, बस थोड़ी बहुत चीजें सोचनी है आपको।